सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। फर्स्ट फिनाले के बाद शहनाज कौर गिल थोड़ी अपसेट है, मायूस है और अक्सर रोती हुई नजर आ रही है और अब उनका गुबार फूट पड़ा है। वो घर में रोती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी बातें नहीं हो रही है, इसका दुख जताते हुए वो घर वालों के सामने रो रही है। जी हाँ, वो ये कह रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त है और हमेशा ही दोस्त रहेगा। मैं उसकी किसी के सामने बुराइयां नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन हाँ पिछले 3 दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? मैं उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है नए लोगों की वजह से। यहाँ तक कि जब बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाते हैं तो भी वो यही कहती है कि मुझे उससे बात करनी है, वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन अब उसने मुझे धोखा दिया है। बिग बॉस कहते हैं कि शहनाज जब भी आप इस घर में दुखी थी तो सिद्धार्थ शुक्ला ही था जो आपके पास आया, आपके साथ हमेशा रहा और अभी भी वो आपके पास ही है, लेकिन आप ही उनके पास नहीं जा रही है। शहनाज कहती है कि बिग बॉस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है और उसकी इग्नोरेंस को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। और उनका इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के पास वापस जाना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी ईगो कहे या फिर कुछ और, वो बस उनके पास जा नहीं रही है, लेकिन वो उनके बिना रह भी नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है, शहनाज क्या सिद्धार्थ शुक्ला के पास वापस जाएंगी या फिर वो पारस छाबरा के पास ही रुकेंगे? हमें नीचे कमेंट सेशन में अपने थॉट्स जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।